रतन टाटा का 6 साल की उम्र में निधन। मुंबई के अस्पताल में ली आखिरी सांस। बहुत दिन पहले अस्पताल में भर्ती होने के बाद रतन टाटा के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। फिलहाल बुधवार की देर रात उनका निधन हो गया। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का बुधवार की देर रात मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। उन्होंने ब्रिज कैंडी अस्पताल में 86 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। बढ़ती उम्र के साथ रतन टाटा कई बीमारियों से ग्रसित थे। वे 1991 में टाटा समूह के चेयरमैन बने थे। टाटा सेंस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने दिग्गज उद्योगपति के निधन के बारे में पुष्टि की है। पीएम मोदी बोले, दूरदर्शी कारोबारी नेता थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए उन्हें दूरदर्शी कारोबारी लीडर बताया। पीएम मोदी ने कहा कि रतन टाटा एक दूरदर्शी कारोबारी नेता थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। उन्होंने अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के कारण कई लोगों के बीच अपनी जगह बनाई। राजनाथ सिंह ने जताया शोक। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, रतन टाटा के निधन से दुखी हूँ। वे भारतीय उद्योग जगत के दिग्गज थे, जिन्हें हमारी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। टाटा सेंस के चेयरमैन ने की निधन की पुष्टि। रतन टाटा के निधन के बाद टाटा सेंस के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने एक बयान में कहा कि हम रतन नवल टाटा को गहरी क्षति के साथ विदाई दे रहे हैं। वे वास्तव में एक असाधारण नेता थे, जिनकी अतुलनीय योगदान ने केवल टाटा समूह को बल्कि हमारे राष्ट्र के ढांचे को भी आकार दिया। बता दें कि 2 दिन पहले अस्पताल में भर्ती होने के बाद रतन टाटा के स्वास्थ्य को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। साल 1991 से 28 दिसंबर 2012 को रिटायरमेंट तक परिवार द्वारा संचालित समूह में एक लंबी पारी खेलने के बाद रतन टाटा ने टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा सेंस के सर्वशक्तिमान अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उसके बाद 2016-17 तक शीर्ष पद पर एक और छोटे कार्यकाल में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने समूह में कुछ बड़े परिवर्तन किए थे। विनम्र व्यवहार के लिए विख्यात रतन टाटा फिलहाल टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रहे, जिसमें सर रतन टाटा ट्रस्ट और एलाइड ट्रस्ट के साथ ही सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट एवं एलाइड ट्रस्ट भी शामिल है।